वेलकम टू पार्ट टू ऑफ अवर यामाहा RX-135 पोर्टिंग वीडियो। इस एपिसोड में हम पोर्ट करेंगे हमारा यामाहा RX-135 ब्लॉक। बट बिफोर वी स्टार्ट पोर्टिंग, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द पोर्ट्स, व्हाट आर द टू स्ट्रोक पोर्ट्स। अगर आपने ये सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देखा होगा तो उसमें किशन हैज एक्सप्लेन नाइसली हाउ द टू स्ट्रोक साइकिल वर्क्स, बट हियर यू नो आई विल गो थ्रू इट अगेन। So, as you can see, these are the ports. आप ये जो gaps देख रहे हो, these are the ports. So, there is the intake port over here. Then, there is the exhaust port over here. और इधर हमारे पास है transfer ports. So, these are the transfers. This is the exhaust. This is the boost port. This is the intake. And these are the transfers again. और ये सब पोर्ट्स कंट्रोल होते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इटसेल्फ। सो इफ यू कैन सी ओवर हियर, जैसे पिस्टन ऊपर आएगा द पोर्ट्स, लाइक नाउ द ट्रांसफर इज क्लोजिंग, द इनटेक इज ओपन, और ऊपर आएगा ट्रांसफर इज कंप्लीटली क्लोज्ड, और पिस्टन ऊपर आएगा, नाउ द एग्जॉस्ट इज क्लोज्ड। सो ऐसे ही जैसे पिस्टन नीचे जाएगा, सो द एग्जॉस्ट विल ओपन, द गैसेस विल एस्केप, इट विल गो फर्दर डाउन, फ्रेश चार्ज विल कम फ्रॉम द ट्रांसफर पोर्ट्स। और इधर आप देखोगे, सो यू कैन सी द मूवमेंट विद द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, ये इनटेक पोर्ट है। सो हाउ द इनटेक ओपन्स एंड क्लोजेस, तो इधर जैसे क्लोज हो रहा है एंड यू नो इट ओपन्स ओवर हियर, सो दैट्स द इनटेक पोर्ट टाइमिंग ओवर हियर। सो नाउ दैट यू नो हाउ द पोर्ट्स ऑपरेट, लेट्स अंडरस्टैंड। अभी अपन समझेंगे कि टू स्ट्रोक पोर्टिंग के लिए हमने कौन से टूल्स यूज किए। वैसे यू नीड प्रोफेशनल टूल्स, प्रोफेशनल डाई ग्राइंडर स्पेशली यू नो 90 डिग्री, मगर वो इधर अवेलेबल नहीं। सो वी हैव यू नो डन सम जुगाड़, थोड़ा जुगाड़ करके हमने हमारा खुद का टूल बनाया। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से डाई ग्राइंडर्स हमने यूज किए टू डू द पोर्टिंग। सो फर्स्ट दिस इज रेडीली अवेलेबल, ये इलेक्ट्रिक टूल है और इसका एक्सटेंशन कॉर्ड है। सो वी आर यूजिंग अ 3 mm शैंक, ये 3 mm शैंक है और ये आई शो यू द बर्ड्स एज वेल। सो यू डू लाइक पोर्टिंग लाइक सो, दिस इज वेरी हैंडी यू नो, फ्लेक्सीबल है तो कुछ भी आप यूज कर सकते हो, लाइक यू नो यू कैन डू डिफरेंट एंगल्स एज लॉन्ग एज यू नो इट इज स्ट्रेट। फिर कुछ ज़्यादा मटेरियल अगर आपको निकालना है, सो आई हैव दिस बिग, ये बड़ा वाला अपने पास डाई ग्राइंडर है और ये 6 mm का ये बर है, तो दिस यू नो हेल्प्स विथ फास्ट, अगर आपको ज़्यादा कुछ मटेरियल निकालना तो फटाफट, जैसे इनटेक पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, वो हम इससे करेंगे, बिकॉज इट दिस वन यू नो टेक्स लॉट ऑफ मटीरियल आउट बिकॉज इट्स अ बिग बिग बर, ये जो ग्राइंडर है वो थोड़ा बड़ा है। देन आई हैव दिस 3 mm पेंसिल, ये एयर से चलता है, ये वाला भी एयर से चलता है, दिस वन ऑल्सो वर्क्स विथ एयर। सो आई हैव दिस 3 mm, इसको पेंसिल बोलते हैं। सो वी हैव यूज दिस टू डू द ट्रांसफर पोर्ट्स एंड अदर पोर्ट्स। तो एक ये है हमारे पास, देन ये है एक्चुअली ये है डेंटिस्ट वाला टूल, आई थिंक मैंने अगर आपने इंस्टाग्राम की रील देखी होगी तो उसमें आई हैव डेमोंस्ट्रेटेड दिस। सो दिस इज एक्चुअली फॉर डेंटिस्ट, अभी इसके लिए ये टूल रेडीली अवेलेबल नहीं है। सो दीज आर द बर्स, लेट मी शो यू द बर्स, ये जो है ये 3 mm शैंक में मिलता है। सो दिस इज 3 mm, मगर इसके अंदर 3 mm नहीं जाता है, उससे थोड़ा छोटा जाता है। सो वी हैड टू गेट दिस मशीन, इसको लेथ में डाल के मशीन करके, और इसके अंदर एक ऐसे फ्लैट स्पॉट है। सो इफ यू कैन सी द फ्लैट स्पॉट, तो ये पूरा ये टूल पहले ऐसा दिखता था। सो उसका हमने शैंक काट के
और इसका जो डायमीटर है वो भी हमने कम कर दिया. एंड यू नो वी डिड वी हैड टू डू दिस फ्लैट स्पॉट, तभी जाके इसके अंदर फिट होगा. तो ये 90 डिग्री इज अ मस्ट फॉर पोर्टिंग, क्योंकि अगर आपने पोर्ट्स देखे होंगे अंदर, यू हैव टू पुट द टूल इन साइड, और ट्रांसफर पोर्ट वगैरह आपको अंदर से करना पड़ेगा. सो दिस इज नेसेसरी. ये सब कोई टूल आपको अंदर से ट्रांसफर पोर्ट का एरिया बढ़ाने के लिए काम में नहीं आएगा. सो यू डू नीड दिस. इधर इंडिया में वी डोंट गेट 90 डिग्री टूल्स इजीली. वो फॉरेन में इफ यू सी यू नो देर आर लाइक प्रोफेशनल पोर्टिंग टूल्स अवेलेबल, मगर हमने इससे काम चला लिया है, इससे काम होता है. और हाँ, ये टूल यू नो ऑब्वियसली इट इज फॉर टीथ, डेंटिस्ट, मतलब बहुत नाजुक काम करने के लिए. मगर हम क्या कर रहे हैं, हम तो मेटल निकाल रहे हैं, पोर्टिंग कर रहे हैं. तो इसका अंदर का ड्राइव शाफ्ट होता है, ये दिस इज द ड्राइव शाफ्ट, राइट. और इसके अंदर भी एक गियर होता है, सो देर इज अ बेवल गियर इन साइड, ये रहा, राइट. तो ये वाला बेवल गियर आपको स्पेयर में चाहिएगा या पूरा हेड स्पेयर में चाहिएगा. हमारे पास वी हैव इन टोटल ऑफ फोर ऑफ दीस, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये, सो दिस विल कम आउट लाइक सो. तो ये वाले हमारे पास चार है, बिकॉज ये बेवल घिस जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा हैवी ड्यूटी काम कर रहे हैं अपन, तो दिस विल जस्ट वेयर ऑफ. अच्छा, इसका ये मोटर है, इसको इसका मोटर का ड्राइवर भी आता है. सो यू विल नीड द ड्राइवर टू इफ यू ट्राइंग टू पोर्ट इट बाय योरसेल्फ. दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट ऑन विथ द टू स्ट्रोक पोर्टिंग. मगर पहले अपन समझेंगे कि टू स्ट्रोक पोर्ट टाइमिंग और एरिया सब क्या होता है. अभी हमें पता है हाउ अ टू स्ट्रोक इंजन वर्क्स, और वी ऑल्सो नो वॉट आर द टू स्ट्रोक पोर्ट्स, namely the transfer and exhaust ports. Now let's understand about porting. Porting is nothing but increasing the height, increasing the duration of the transfer and exhaust ports. So first let's understand कि ये हम कैसे करेंगे. तो first we have to map out the factory ports. ये है ट्रांसफर पोर्ट, जैसे हमको बताया दिस इज द एग्जॉस्ट पोर्ट, वी हैव ऑलरेडी पोर्टेड दिस. मगर आप पहले मैप कैसे करोगे कि ये है क्या. सो व्हाट आई वुड वांट यू टू डू इज यू नो टेक अ पेपर दैट हैज द सेम सर्कमफरेंस ऑफ योर बोर, आपका बोर जितना भी है उसका सर्कमफरेंस निकालो एंड टेक आउट दैट पेपर. देन यू नो आई वुड वॉन्ट यू टू रोल इट लाइक दिस, के अंदर आप डालो एंड देन यू नो मेक इट फ्लश. तो ये आपका टीडीसी हो गया, दिस इज योर टॉप डेड सेंटर, ये 00 टीडीसी हो गया. टेक अ पेंसिल, मेक श्योर यू नो अगर आप इसको टेप करो तो अच्छा रहेगा, तो यू नो इट वोंट ट्विस्ट. देन यू नो यू जस्ट ट्रेस इट आउट, आप ऐसे ऐसे करके ट्रेस करोगे सो यू गेट योर पोर्ट्स. अभी इधर हमारे पास ऑलरेडी रफ पोर्ट्स है, इधर भी हमने किया हुआ. सो यू कैन सी यू नो ऐसा कुछ इमेज बनेगा इफ यू ट्राई टू ट्रेस इट आउट. सो देन यू नो यू वॉन्ट टू टेक योर टाइमिंग. सो वॉट इज दिस हाइट, दिस हाइट, दिस हाइट. सो दिस इज द एग्जॉस्ट पोर्ट, ये हमको पता है, ये है हमारा ट्रांसफर पोर्ट. देन देर इज अ बूस्ट पोर्ट, राइट. सो ड्यूरेशन क्या होता है, वॉट इज ड्यूरेशन. ड्यूरेशन इज यू नो द क्रैंक एंगल डिग्रीज इट टेक्स फॉर द पिस्टन टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट और दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो ये हुआ हमारा, ये सपोज है हमारे ट्रांसफर का ड्यूरेशन, ये है हमारे एग्जॉस्ट का ड्यूरेशन. तो ये पहले तो चेंज करने से हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ योर इंजिन विल चेंज. लेट्स अंडरस्टैंड दैट, से द ट्रांसफर इज हियर, then you know there is one more transfer. मैं सब transfer draw नहीं कर रहा हूँ, खाली you know just so that you know you get the idea. I am drawing the transfer and then you know there is the say you know exhaust something like this, right. So this is the duration. So you know the piston will be say you know traveling like such. There ये अपना crank है, the crank is over here, the arm is over here, this is the connection.
crank is going round. तो ये कितना degree, you know, the when the piston moves from say here to here, the piston will travel say somewhat over here, right? So crank is over here. तो ये bottom से ऊपर ये कितना degree हुआ? So if you, when you measure the degree, right? तो ये उसका ड्यूरेशन हुआ, दैट इज दी ट्रांसफर ड्यूरेशन. ऐसे ही एग्जॉस्ट का ड्यूरेशन होता है. तो ये चेंज करने से हाउ द टू स्ट्रोक इंजन विल प्रोड्यूस पावर डिफरेंटली. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट अंदर क्या हो रहा है. सिंस यू नो वी डोंट हैव एनी वाल्व्स और एनीथिंग, वी आर रिलाइंग ऑन द पिस्टन टू मूव द गैसेस इन एंड आउट. सो इफ वी इधर एक अपने दूसरा इंजन, यू नो वी जस्ट ड्रॉ अनदर सिलेंडर, राइट, दिस इज द स्पार्क प्लग, अगेन यू नो ट्रांसफर, एंड दिस इज योर एग्जॉस्ट. ये एग्जॉस्ट है, राइट. सो द पिस्टन इज, यू नो वी विल स्टार्ट विद, यू नो से दिस इज द पिस्टन. पिस्टन नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है. Now the piston, when the piston goes up, तो you know through the reed valve, through you know the bottom, ऊपर जाएगा तो नीचे वैक्यूम होगा. That's how you know it is sucking in all the rich, all the fresh air fuel mixture. So now when the piston travels down, reed valve बंद हो गया, it will you know push you know all the gases through the transfer ports. तो नीचे से ऊपर push करेगा. ये है हमारे ट्रांसफर. तो जैसे अभी अपना पिस्टन नीचे जा रहा है, राइट, सो इट इज पुशिंग द एयर थ्रू दीज होल्स, थ्रू दीज ट्रांसफर पोर्ट्स इनटू द कंबशन चेंबर. अभी गैसेस इधर आएंगे. सो द गैसेस आर ओवर हियर. नाउ द फ्रेश चार्ज इज ओवर हियर. पिस्टन इज यू नो से ओवर हियर, फ्रेश चार्ज यू नो कम्स. और पुराना जो कंबस जो हुआ वॉल्यूम है, वो पिस्टन अभी इधर आ गया है ऑलरेडी. सो इट विल स्टार्ट एग्जिटिंग, दैट ओल्ड यू नो बर्न्ट एयर फ्यूल मिक्सचर विल स्टार्ट एग्जिटिंग थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट. सो दिस इज योर एग्जॉस्ट, राइट, दिस इज योर ट्रांसफर. इट विल स्टार्ट मूविंग आउट. और जैसे वो बाहर जाता जाएगा, यू नो पिस्टन इज गोइंग डाउन एंड इट इज ओपनिंग द पोर्ट्स एंड ऑल्सो प्रेशराइजिंग fresh air fuel mixture into the chamber. Now by raising the transfer ports, what we are doing, we are increasing the area. So humne ye agar aap factory ka dekhoge to kam hai, you know the transfer area is also smaller in factory. So we have increased, so there is going to be more space, you know the engine can breathe easier. So isliye wo ek, that's why we are you know raising the transfer. Also, what happens is, क्या transfer raise करोगे, it will give you more duration, more time, ज़्यादा time मिलेगा for you know the gases and fuel to come in, rich air fuel mixture को अंदर जाने के लिए ज़्यादा जगह, ज़्यादा time मिलेगा, so it can breathe better. Now, the same thing is happening in exhaust, right? But what happens is when you raise the exhaust high, what is happening at a lower RPM, के आपका exhaust port खुल रहा है, right? When you raise the exhaust port, yeah, it helps the two-stroke engine to breathe better. मगर क्या हो रहा है कि piston नीचे आ रहा है, the old gases are going in. Now the main, first, you know, let me explain you main why. एग्जॉस्ट का ड्यूरेशन क्यों बढ़ाते, व्हाई दे इंक्रीज द हाइट ऑफ द एग्जॉस्ट. सो दिस इज द मेन थिंग, यू नो हाउ टू स्ट्रोक इंजन्स यू नो मेक पावर एट हायर आरपीएम्स. क्योंकि क्या होता है कि एग्जॉस्ट का अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाते हो, सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन द एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंबस्टेड, तो ये जब एग्जॉस्ट हायर होता है, सो इट इज रिलीजिंग ऑन दैट प्रेशर. जो प्रेशर बिल्ड हुआ है कंबशन से, वो जल्दी रिलीज हो जाएंगे. अगर वो जल्दी रिलीज होगा, देन यू नो द ट्रांसफर पोर्ट्स कैन यू नो इजीली पुट इन गैसेस इनटू द कंबशन चेंबर. सपोज ये एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट का ड्यूरेशन सपोज
suppose हम इधर रखते हैं, you know, it is just little bit higher than the transfer port. So it is getting very small time. By the way, इसको blow by बोलते हैं. This is the blow by duration. The difference between the top of the transfer and the top of the exhaust is the blow by duration. तो blow by duration अगर अपने कम रखते हैं, तो what is happening that combustible gas, you know, is already pressurized over here. So either ये खुल रहा है, right? The exhaust is opening. The combustible gases are escaping. वो escape कर रहे हैं, right? But ये कर रहे हैं and the duration is so short कि अभी piston ये नीचे आ गया. Now, you know, the transfer has opened up. So the pressure that has built up, you know, the pressure that has built up. It doesn't have enough time to release. कि वो pressure low हुए तो you know fresh charge अंदर जाएगा. So because you know the duration is so less, so you know the bond gases, you know, they don't have enough time, enough space to escape. That's why when we are talking about porting, जब हम porting की बात करते, we always you know what we do, there is very aggressive low by duration. तो वो क्या होता है कि एग्जॉस्ट का पोर्ट अगर आपका हाई है, देन व्हाट इज हैपनिंग, द एग्जॉस्ट गैसेस यू नो विल एस्केप इजीली. सो देयर इज नो प्रेशर, अभी इधर कुछ प्रेशर नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज दीज फ्रेश चार्ज, यू नो, ये जो फ्रेश चार्ज अंदर से आएगा, इधर से निकलेगा, यू नो, दे कैन गेट इन द कंबशन चेंबर इजीली, राइट? एंड दैट्स हाउ यू नो इट ब्रीथ बेटर, यू नो देयर इज मोर एयर फ्यूल. And that's how you know it's making more power. मगर इसका एक drawback क्या है? एक drawback ये है कि at lower RPMs, what is happening is, अच्छा ये तो release हो गया, but what is happening is low RPM पे the piston is moving very slow. So now you know the fresh charge is coming in. Right? अभी fresh charge अंदर गया, and what happens if some fresh charge you know escapes through your exhaust port? So, you know, what is happening over here, they are losing, you know, the air-fuel mixture. And that's why, you know, at lower RPM, it doesn't make a lot of power. And here is where the expansion chamber comes in. The expansion chamber, the role kya hai? So, when the exhaust port opens, you know, it, usmein se ek wave nikalta hai. So, there is a sound wave, like, shockwave जैसा होता है ना, वो निकलता है. So say this is the expansion chamber, right? Now what is happening? जैसे हमने बताया कि in the exhaust, you know, there is some you know unburned fresh air fuel mixture. क्योंकि ये port इतना high है, तो इसके अंदर वो charge थोड़ा escape हो रहा है. So some is going in the exhaust. Now how you know you can recover those you know fresh air fuel mixture, to uske liye we have expansion chamber. So what's happening over here, shock wave ki speed hoti hai, so it travels at you know a certain kitna hai, you know, I will you know put it down. So it travels at a certain speed, so idhar se ek shock wave nikalta hai from the exhaust. So the shock wave goes right, this is the exhaust port opening, you know, it goes like so. So expansion chamber is doing basically two things. What it is doing, कि एक जो exhaust pulse निकला, उसको वो expand कर रहा है. Suppose इधर you know it is taking so much volume, then it is taking more, here it is taking more. So it is creating some vacuum behind it. तो ये vacuum की वजह से क्या होता है? You know there is negative pressure initially. तो ये expansion chamber like you know this port opens. Exhaust port opens, you know, there is a shock wave, right? This shock wave travel करता है and you know the expansion chamber expands that shock wave. तो इधर एक negative pressure build होता है, right? So there is negative pressure through this. So with the help of that negative pressure, it is sucking in more air fuel mixture. तो अभी more air fuel mixture हमारा you know being sucked. Through these ports, you know, through the crank and through these ports into the combustion chamber. अभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि
some fresh air fuel mixture escapes over here. Now what happens when this shockwave is traveling, so either end mein there is a sharp ekdam aggressive narrowing hota hai, uski wajah se kya hota hai, wo shockwave attract hai, it bounces and then it bounces back. So now it is traveling back. So ye jab when it is traveling back, what it does is actually pushing the fresh air fuel mixture jo that has been sucked in the exhaust chamber back into the combustion chamber. So abhi idhar thoda positive pressure aaya because it has sucked and now it is pushing back in. At the same time, the exhaust port is closing. So basically, we have over here more volume of air fuel mixture than what you would have NA. Matlab NA mein suppose chal raha hai, NA mein, if I ride the same engine without the expansion chamber, it will make much less power than what it would with the expansion chamber, because it's like supercharging, ke wo push kar raha hai, it is pushing more air fuel mixture than what it normally would do, right? Abhi aisa nahi hai ki you would just like say raise the transfer, raise the exhaust port. You have to know what is your application, ke street application hai, drag application hai, motocross hai. Because what happens as you increase the blow by, if blow by ka duration aap increase karoge, you have to rev the engine higher and higher to make power. Matlab aapko tab jaake power feel hoga. So the expansion chamber has to be designed to what are the port timings. You can't fit any, matlab koi bhi expansion chamber aapne fit kar diya wo nahi chalega. It has to be designed according to your engine, kaun se RPM pe aapka power banega, and what are your port timings. Now we talk about a street application. In street application mein what you need, low end torque. To low end mein your piston is traveling down, it is slow. Low end matlab the engine is slow, there is street use, piston is moving slowly, so these ports can be less aggressive. Yeah, port niche rakho, to what will happen is ye jo volume hai na, basically you are increasing this volume, so the combustion happens very efficiently, right? Because the ports are lower, ye port idhar hai, ye port bhi idhar hai, iska the blow by is also less, so the gases are not wasted because the blow by is less. Plus you are increasing this area where there are no ports, so the fuel gets compressed effectively. Then when the combustion hota hai, to it has a lot of area that it utilizes without the ports opening. So it is very effective. Okay, effectively wo aayega, it is zyada effectively, it will use the fuel at lower RPM. Now if the port is over here, ye effective abhi the fuel is still, it still has energy, it is still pushing. Magar ye port khul gaya, so the exhaust is escaping. But at the same time, what happens at lower RPM is the exhaust open. Jaisa maine bataya ki usko exhaust ko time chahiye. It needs the time and space to escape. Agar jaise jaise RPM, when the RPM is increasing, abhi RPM increase ho raha hai, to kya ho raha hai? Transfer or exhaust ka duration, time is getting shorter. To utna usko time milta hi nahi ki exhaust bahar jaye, naya fresh charge andar aaye. So that's why at high RPM it will lose power. Now in the same way, in a drag bike, so this is the example of top end power. Drag bike mein, jaise maine aapko bataya, it's the opposite. At low end, it doesn't make power, but as
you go higher, you go at higher RPMs, you know, it will make more power. Now, you know, power ki formula humko pata hai. So it's basically torque into RPM divided by phi 2, right? That's how you create BHP. That is the formula of brake horsepower. Now, basically what we are doing, we are just shifting the torque curve. With two-stroke ka engine, hamara ye block is the same. RX-135, you know, 4-speed. It's the same block. But how it will increase the power? Hum kya kar rahe? We're not doing anything. What we are doing is, we are moving the torque. So torque is mein, you know, used to come at lower RPM. We are increasing the peak torque at higher RPM. So we are just shifting that torque, and that's how, you know, we are making more power. The only thing, the only drawback is that we would lose some low end power. So that being said, मैंने बताया, you know, street application, drag application, motocross, you know, is in the middle. They need power in the middle क्योंकि उसको mid range चाहिए. So you know, those ports are designed accordingly. Now that's it. समय समाप्ति की घोषणा. टू स्ट्रोक पोर्टिंग. ओके, नाउ आवर यामाहा RX-135 ब्लॉक इज पोर्टेड. थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े थे हमको, जैसे मैं आपको इधर दिखाता हूँ. वी आर गोइंग टू फिट अवर वी फोर्स. ये वी फोर्स परफॉर्मेंस रीड वाल्व है जो हम फिट करने वाले हैं, तो ये फैक्टरी रीड वाल्व से बहुत बड़ा है. सो टू फिट दिस वी हैड टू टेक आउट अ लॉट ऑफ मटीरियल. आजू बाजू से बहुत मटेरियल निकालना पड़ा, और उसकी वजह से वी पंचर्ड वन ऑफ द वॉल्स. ये लेफ्ट साइड की वॉल हमने पंचर कर दी, मतलब इधर से यू कुड सी द इनसाइड, तो मतलब इधर से एक लीक हो गया था. सो
इधर हमको वेल्डिंग भरवाना पड़ा, वी हैड टू फिल इन मटेरियल, तो इधर वेल्डिंग भरवा के देन वी हैड टू रिकंस्ट्रक्ट दिस वॉल, तो ये वॉल हमने वापस बनाई। वी आर केयरफुल ऑन दिस साइड, वी आर लकी कि इधर ये साइड हमने पंचर नहीं किया, बट स्टिल यू नो द वॉल इज वेरी थिन, क्योंकि ये रीड वॉल बहुत बहुत काफी बड़ा है। सो इफ यू सी लाइक अभी भी यू नो एकदम इट्स लाइक कट टू कट है, इट्स लाइक यू नो इट्स स्टिल आई कैन फील इट के अंदर जाने से इट्स टचिंग समवन, बट इट्स गुड, यू नो इट्स नाइस स्नग फिट। सो नाउ दैट अवर ब्लॉक इज पोर्टेड, तो अभी हमारा ब्लॉक पोर्ट हो चुका है। नाउ इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल डिसमेंटल द होल बाइक, पूरी बाइक हम डिसमेंटल करेंगे, वी विल डिसमेंटल द इंजिन एज वेल, वी गोना फिट अवर न्यूली पोर्टेड ब्लॉक, हम फिट करेंगे हाई कंप्रेशन हेड, और वी विल ऑल्सो कन्वर्ट अवर फोर स्पीड यामाहा आरएक्स 135 इनटू फाइव स्पीड। So that's it for this episode. I'll see you in the next one.